अरे रिकॉर्डिंग टिप दिया, जल्दी जल्दी बढ़ो जल्दी यार, आप लोग जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में आपने देखा होगा कि एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और वो है पुस्तक और लेखक। आपने बिहार पुलिस देख लिया होगा, अभी कोई भी एग्जाम देखिएगा तो इसमें आपका प्राचीन इतिहास से लेकर थोड़ा बहुत आधुनिक तक को भी मिलाया गया है। अगर आपको याद है तो बताना होगा, नहीं याद है तो मत बताइएगा, आपका मन, ठीक ना। तो एक तरफ है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आप लोग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि कश्मीर का इतिहास, अगर किसी, अच्छा किसी को मालूम होगा तो हाथ उठाएगा, ठीक, हम उसके पास जाएंगे, माइक देंगे तभी आवाज आएगा अभी। तो राज तरंगनी के लेखक कौन है? कल्हड़। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए जी, संस्कृत व्याकरण वाली किताब कौन सी है? इधर आ जाओ, तो इधर खाली है, क्या है? आवाज नहीं आएगा, अष्टाध्यायी। चलिए अगला है जी आप लोग का, ये बताइए महाभाष्य किसने लिखा है? जल्दी पतंजलि। नेक्स्ट आप लोग का है जी, इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज। बहुत बढ़िया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, एक चाइनीज था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जिसका नाम था हेंगसांग। 15 वर्ष तक यहाँ रहा था, सिलभद्र उस समय आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो उन्होंने कौन सा किताब लिखा है? सी युकी। चलिए अगला है कि एक राइटर है जिनका नाम है तारानाथ, जो तिब्बत के रहने वाले थे। ठीक, बोलने का नहीं, तुम लोग नहीं आती हो क्या? सब याद किया सब ना, ऐसे का है सब, ऐसे मुंह बना के। चलिए आप लोग का जी अगला नाम है बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है? चलिए हाथ उठाइए। अश्वघोष। देखिए बुद्ध चरित्रम के बारे में बता दे, अश्वघोष जो रहने वाले हैं वो पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, और उसी समय कनिष्क वहां पे अटैक किए थे, हर्षवर्धन को टांग के लगे हुए चले गए थे। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कनिष्क का बीमारी था कि वह विद्वानों को अपने दरबार में रखता था, हर्षवर्धन काफी विद्वान थे इसीलिए उनको उठा के लेके चले गए। अगला आता है, एक किताब है जो अब थोड़ा बीपीएससी की ओर आते हैं, एक किताब है शाहजहां नामा। गलत है, गलत है, हाँ इनायत खान। गौर से सुनो, हम शाहनामा नहीं बोले थे, शाहजहांनामा बोले थे, इनायत खान। अगला बात करते हैं, दस कुमार चरितम डंडी, ऐसे ऐसा नाम रखता है जी, अड्डी डंडी। हाँ चलिए अगला है कि कादंबरी के लेखक कौन है? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? बाणभट्ट। और उन्होंने एक और किताब लिखा था हर्ष चरित्र। अगला है कि देवी चंद्र गुप्तम के राइटर कौन है? किसका है जी? विशाखदत्त ने जी की विशाखा है, हाँ विशाखदत्त, मतलब लड़का को लड़की कर दोगे, विशाख है बेचारा, विशाखा कर दिया। अगला है शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम या कुमार संभव या रघुवंश या मेघदूतम? कालिदास। उसके राइटर है कालिदास। अगला है एक बहुत बार बीपीएससी में आया हुआ है गीत गोविंद के, इन लोग का था जयदेव, जयदेव हाल है, बताना आप लोगों।
तो बताइए तारीखें शेरशाही, तारीखें गलत जवाब। हाँ सब गिनवा दो, सब राइटर में गिनवा दो सब, जितना तो चार को ऑप्शन नहीं दिया रहता है। अब्बास का शेरवानी, अब्बास का शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी। एक्चुअली याद रखो, देखो तारीखे शेर, शेर इसमें भी है और लिखने वाले में भी शेर है, ठीक ना। तारीखे शेर शाही को लिखने वाला अब्बास खान शेरवानी। आप लोग का क्वेश्चन है, ये भी हाल ही में बीपीएससी में आया था, तबकाते नासरी, तबकाते नासरी के लेखक जियाउद्दीन भरनी। गलत है, मेहर उस सिराज जी, मिनहाज उस सिराज। चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन हम जानते हैं, बहुत लोग हाथ उठाएगा, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। चलिए गुलबदन बेगम, एक चीज और भी बताते हैं, गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी, है ना, उन्होंने ही लिखा था। अगला है महाविभास के राइटर कौन? महाविभास जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश, वसुमित्र। बिल्कुल सही, वसुमित्र। एक और है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, जो कनिष्क के दरबारी थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, इस पुस्तक में दिए हुए हैं, वही किताबों का नाम बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे किताब लिख सकते हैं, तो नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उनकी रचना बताइए। माध्यमिक सूत्र बता दिए। चलिए अगला बताइए, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका या बृहद संहिता के राइटर कौन? ब्राह्मी। एक्चुअली ये दरबारी किसके थे पता है? ये दरबारी थे चंद्रगुप्त सेकंड के, अद्वितीय। और एक्चुअली ये ना बहुत अच्छा खगोलिस्ट थे, गणित वित्त का अच्छा ज्ञान था और राइटर भी अच्छा था। अगला बात आता है आपका पादशाह नामा, ए, बताने वाला सब उधर है, हम ऐसे ही चले के जाए, डंडा लाओ जी, ऐसे माइक को बांध देते हैं, बताओ। मोहम्मद अमीन काजवीनी। हाँ मोहम्मद अमीन काजवीनी, याद कर लीजिएगा भाई। अगला है आप लोग का अनहैप्पी इंडिया, कौन बताएगा? लाला लजपत राय। तो लाला लजपत राय बताई है, देखिए हमेशा बताएंगे हैप्पी अनहैप्पी, आप हैप्पी इसलिए हैं कि आपको मतलब कुछ मिल रहा है तो हैप्पी हो गए, और अनहैप्पी भी कुछ मिलवे करता है लेकिन डंटा मिलता है, तो लाला जी को डंटा से चोट लगा था इसलिए अनहैप्पी हो गए थे। अगला है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, किसका तुम लोग का है, है? राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है अभी आया था बिहार पुलिस में आया था सत्या प्रकाश के राइटर कौन? दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया, इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद। देखिए अबुल कलाम आजाद वैसे व्यक्ति है जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम ऐसे व्यक्ति है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये अध्यक्ष थे, ये ऐसे अध्यक्ष थे जो लंबे समय तक पद पर बने रहे थे, उसके बाद इन्होंने अल हिलाल, अल बिलाल और इंडिया विंग्स फ्रीडम ये सब इन्होंने लिखा है। चलिए अगला बात करते हैं, एक आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, जिन्हें क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला। अगला आता है किसका है, गीता रहस्य के लेखक कौन है, इन्होंने जेल में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक जी। बहुत बढ़िया, अगला आता है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल लिखने वाले कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। बहुत बढ़िया, अगला है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट करते हैं,
एक क्वेश्चन आप लोग का जी, इतना ही बता पाओगे सब, इंडियन फिलोसफी राधा कृष्ण। हाँ जी बोल दिया सब, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। अब आप लोग का पूछा ना, तराना ए हिंद, तराना ए हिंद के लेखक कौन? ए मुंह चोखा सब बन गया है, बताइए जी। इनकलाब शब्द का नाम इन्होंने ही दिया था, मोहम्मद इकबाल। इकबाल वही व्यक्ति है जो सबसे पहले दो राष्ट्र की कल्पना किए थे, दो राष्ट्र होने चाहिए इसकी कल्पना मोहम्मद इकबाल नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान शब्द का नाम इन्होंने नहीं दिया था, वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक, तो चलिए आज के लिए पहला जीडी था आप लोग का, और कल के लिए कुछ देते रोज जीडी कराने का। चलिए तो समय लग जाता है, तो आप लोग टाइम से आया कीजिए। अगला है, एक तरफ प्रवर्तक है और एक तरफ दर्शन है। जैसे कि मान लेते हैं ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 9, एक तरफ संस्था है एक तरफ संस्थापक है। जैसे कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन? तो ज्योतिबा फुल्ले। ये भी बहुत ज्यादा आता है, तो ये पेज नंबर है 9। ठीक, जीके का चालीसा है, ये भी देख लीजिएगा, जितने भी संस्था है और संस्थापक वो याद कर लीजिएगा। हाँ पेज नंबर 9। चलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Thank you.